Hi guys, welcome back on Learning Together. Welcome back friends, GKGS Current Affairs के इस पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी एग्जाम्स के लिए लास्ट 3 to 6 मंथ का करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 25 से। दोस्तों इसके पहले का पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वैसे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन 25 से। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने केंद्रीय बोर्ड में आर्थिक मामलों के सचिव को नामित किया, आपको उसका नाम बताना है। अतनु चक्रवर्ती, एससी गर्ग, शक्ति गोहिल, रमेश उज्जवल। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अतनु चक्रवर्ती। दोस्तों लेफ्ट साइड में हमारा अंग्रेजी क्वेश्चन है, एक बार उसे भी पढ़ देता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नॉमिनेटेड इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी ब्लैंक स्पेस ऑन इट्स सेंट्रल बोर्ड। अतनु चक्रवर्ती, एस सी गर्ग, शक्ति गोहिल या फिर रमेश उज्जवल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अतनु चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन अ पायलट बेसिस इन हाउ मेनी स्टेट। कितने स्टेट्स में शुरू की गई है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, 3, 4, 6 या फिर 8। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। ऑप्शन नंबर बी 4। दोस्तों इन चारों का मैं नाम बता देना चाहता हूँ, जो चारों स्टेट्स हैं उनके नाम हैं। एक है तेलंगाना, दूसरा है आंध्र प्रदेश यानी कि एपी, ठीक है दोस्तों। तीसरा जो हमारा स्टेट है वो है महाराष्ट्र MH, और एक चौथा हमारा है वो है गुजरात। ये चार स्टेट है जिसमें पायलट बेसिस पे क्या शुरू किया गया, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नोटेड इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर सुवीर विट्ठल गोकरण पासड अवे, है ना, उनकी मृत्यु हो गई है। ही वॉज द RBI डिप्टी गवर्नर फ्रॉम, कब से कब तक थे वो, है ना। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुवीर विट्ठल गोकुर्ण का निधन हुआ, वे कब से कब तक RBI के डिप्टी गवर्नर थे। क्वेश्चन 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2009 से 12 तक का। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 28। इंडिया हैज़ साइन अ डील विथ अराउंड ₹15 करोड़ टू एक्वायर 27 एयर टू एयर मिसाइल फ्रॉम ब्लैंक स्पेस टू बी इक्विप्ड ऑन द Su-30 MKI कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यानी कि भारत ने Su-30 MKI लड़ाकू विमान से लैस होने के लिए, है ना, किसके साथ R-27 एयर टू एयर मिसाइल का अधिग्रहण करने के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रांस, स्पेन, US या फिर रूस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रसिया यानी रूस। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के NIRDPR सितंबर में रिस्क के तीसरे संस्करण का आयोजन करेगा। आपको रिस्क का विस्तार करें कि रिस्क का आपको फुल फॉर्म बताना है, है ना। इसका फुल फॉर्म होगा रूरल इनोवेटर स्टार्टअप कॉन्क्लेव या फिर रूरल इनोवेशन स्टार्टअप कॉन्क्लेव, रूरबन इन्वेस्टर स्टार्टअप कॉन्क्लेव या फिर रूरल इन्वेस्टर स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस। राइट आंसर होगा दोस्तों 29 का ऑप्शन नंबर ए, रूरल इनोवेटर्स स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 30। हु वाज रिसेंटली अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2019, प्रतिष्ठित उद्यमी पुरस्कार 2019 का किसे सम्मानित किया गया है। रुहान राजपूत, सीड वर्मा, विकास नागपाल या शिखर सम्मेलन मेहरास, है ना, सुमित मेहरा। इसमें थोड़ा पेंडिंग मिस्टेक हो गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रुहान राजपूत। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 31। ब्लैंक स्पेस एंड अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप्स हैव ज्वाइंड हैंड्स टू सेट अप अ नेशनल क्लिनिकल कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी कि NCCC। आपको बताना है इस कंपनी का नाम, किसके साथ अपोलो हॉस्पिटल ने मिलकर के राष्ट्रीय नैदानिक समन्वय समिति की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है। गूगल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, फेसबुक इंडिया, फिर माइंड ट्री। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज अ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन लीड बाय ब्लैंक स्पेस विल विजिट द मालदीव्स टू पार्टिसिपेट इन द 4th साउथ एशियन स्पीकर्स समिट।
नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ओम बिरला या फिर हरिवंश वर्मा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओम बिरला, है ना, ऑप्शन नंबर सी ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेस्ले अगले 2 वर्ष में 700 करोड़ का निवेश करेगी और मैगी नूडल्स के लिए एक नया संयंत्र भी स्थापित करेगी। आपको बताना उस स्टेट का नाम कहाँ पे ये स्थापित होना है ना। नेस्ले विल इन्वेस्ट 700 करोड़ इनिशियली ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर टू सेटअप अ न्यू प्लांट ऑफ मैगी नूडल्स इन पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर गोवा। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात, बी गुजरात। नेक्स्ट इज, ब्लैंक स्पेस पासेज अ बिल टू मेक एक्स मिनिस्टर सेल आउट ₹10,000 अ डे इफ दे कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई गवर्नमेंट बंगलौर बियॉन्ड 2 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ देयर टर्म्स, है ना। आपको बताना है कि उन पूर्व मंत्रियों को एक दिन में ₹10,000 देने का विधेयक पारित किया गया, किस राज्य में ऐसा किया गया है, है ना। यदि वे अपने शर्तों के समाप्त होने के 2 महीने बाद तक अगर सरकारी बंगलों पर कब्जा रखना जारी चाहते हैं तो उन्हें क्या देना होगा, ₹10,000 देने पड़ेंगे। तो बताना है उस स्टेट का नाम, राजस्थान, पंजाब, यूपी या फिर तेलंगाना। राइट आंसर में बता दूँ 34 का ए होगा, यानी कि राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, आज़ादी के बाद से पहले, है ना, यानी कि इन द फर्स्ट सिंस इंडिपेंडेंस अ नगर कीर्तन रिलीजियस है प्रोसीजर ये दैट स्टार्टेड फ्रॉम वेयर, है ना, इंटर्ड इन टू पंजाब टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ गुरु नानक देव। कहाँ से वो जुलूस, धार्मिक जुलूस निकाला गया, कहाँ से लेकर के कहाँ से कहाँ तक, तो पंजाब तक किया गया। कहाँ से पंजाब तक, श्रीलंका से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, फिर म्यांमार से। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 35 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान से, है ना दोस्तों। मैं आपको बता दोस्तों, ये जो पाकिस्तान के कहाँ से शुरू किया गया, तो करतारपुर से। करतारपुर में क्या है, गुरु नानक देव का क्या है वहाँ पे गुरुद्वारा है, है ना, तो वहाँ से ये शुरू किया गया है धार्मिक जुलूस। और ये कहाँ से जाएगा, करतारपुर से पंजाब तक आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर, कब मनाया जाता है। विश्वव्यापी वेब दिवस हर साल किस डेट में मनाया जाता है, 1 अगस्त को, 5 अगस्त, 7 अगस्त या फिर 10 अगस्त को। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 अगस्त, इंपॉर्टेंट है ना। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW जो हम लोग लिखते हैं वेबसाइट का नाम, है ना, www.abcd.com। तो फ्रेंड्स, www को कब मनाया जाता है एक वेब दिवस के रूप में, तो होगा 1 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, सिमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ एज ए हेड ह्यूमन कैपिटल, किसे किया गया है अपॉइंट। सिमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड ने ह्यूमन कैपिटल के रूप में किसकी नियुक्ति घोषणा की है, दीप्ति द्विवेदी, तुलसी वाजपेयी, सोनिया पार्थ या फिर सुमन गुलाटी। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दीप्ति द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए दीप्ति द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 38 का, अ रिसोर्स टीम फ्रॉम वेयर हैज अडॉप्टेड अ प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोथर्मल कार्बनाइजेशन के HTC, किस शोध दल ने हाइड्रोथर्मल कार्बनाइजेशन नामक एक प्रक्रिया को अनुकूलित किया है, IIT दिल्ली ने, IIT खड़गपुर, IIT गोवा या फिर IIT बेंगलोर। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी IIT खड़गपुर, IIT खड़गपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, इंडिया एक्सटेंडेड एन असिस्टेंस ऑफ US$500,000 टू इट सपोर्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड कॉटेज इंडस्ट्री प्रोजेक्ट इन द वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, भारत के पश्चिम अफ्रीकी देश में कौशल विकास और कुटीर उद्योग परियोजना के समर्थन में लगभग 500,000 तक की सहायता प्रदान की है। तो आपको बताना है उस कंट्री का नाम। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गाम्बिया, है ना दोस्तों, ये यहाँ पे मिस्टेक आ गया है, 00 नहीं होगा, गाम्बिया इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु टुक ओवर एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2019, गिरिराज प्रसाद गुप्ता, रमेश चांद, टी लक्ष्मी या फिर शांता कुमार। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गिरिराज प्रसाद गुप्ता, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 41, वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज ऑब्जर्व ऑन 31 जुलाई, 1 अगस्त, 6 अगस्त या फिर 13 अगस्त, है ना।
हम देखते हैं विश्व फेफड़ों दिवस, फेफड़ों का जो कैंसर होता है उसका जो डे मनाते हैं वो कब मनाया जाता है दोस्तों? क्वेश्चन 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 अगस्त, यानी कि 1 अगस्त को। तो हमने देखा दोस्तों 1 अगस्त को और क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाइड डे WWW का जो डे है होता है दोस्तों वो भी मनाते हैं 1 अगस्त को, और 1 अगस्त को और क्या मनाते हैं, लंग्स कैंसर डे भी मनाते हैं, विश्व लंग कैंसर डे। अगला सवाल है क्वेश्चन 42, ब्लैंक स्पेस एक्सपेक्ट टू शट डाउन इट्स इंटायर 3G नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री बाय मार्च 2020, है ना, 2020 तक के पूरे देश में 3G नेटवर्क को बंद करने की जो घोषणा की है, जो उम्मीद कर रही है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कौन सी कंपनी कर रही है दोस्तों? रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन या फिर वीडियोकॉन। क्वेश्चन 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दरवाजा गैस क्रैटर नॉन लोकली एज द डोर टू हेल और गेट्स ऑफ हेल इज लोकेटेड इन कजाकिस्तान, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान या फिर पोलैंड, है ना, दरवाजों को नरक का द्वार जो कहना का जो कहा जाता है, गेट्स गेट्स ऑफ हेल के नाम से जाना जाता है, उस दरवाजे का गैस क्रैटर जो है वो है कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर सी तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट है, संघाई ब्रांच ऑफ ब्लैंक स्पेस हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू बी कनेक्टेड टू चाइना नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम CNAPS, चाइना नेशन एडवांस पेमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, CNAPS। दोस्तों आपको बताना है इसका नाम किसके साथ, SBI के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, ICICI बैंक के साथ, फिर HDFC बैंक के साथ। क्वेश्चन 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। अगला सवाल देखते हैं, किस मंत्रालय ने एक मोबाइल एप्लीकेशन के मेघदूत शुरू किया है जो स्थानीय भाषाओं में किसानों को स्थान और फसल और पशुधन विशिष्ट मौसम आधारित कृषि सलाह देगा, है ना, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन मेघदूत दैट विल प्रोवाइड लोकेशन एंड क्रॉप लाइव स्टॉक स्पेसिफिक वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजर टू फार्मर्स इन लोकल लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नीति आयोग, फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 45 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ना तो इसमें से नीति आयोग ने किया ऐसा कुछ है, ना ही रूरल डेवलपमेंट ने, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। अगला सवाल देख रहे थे क्वेश्चन 46 को, ब्लैंक स्पेस हैज ग्रांटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टेटस फॉर अ $10 बिलियन प्लान टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट अल्ट्रा फास्ट हाइपर लूप प्रोजेक्ट, है ना, किसने दुनिया की पहले अल्ट्रा फास्ट हाइपर लूप परियोजना बनाने के लिए $10 बिलियन की योजना के लिए बुनियादी ढांचा परियोजना का दर्ज को दर्ज किया है? आपको उस स्टेट का नाम बताना है, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला या फिर तमिलनाडु। क्वेश्चन 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। दोस्तों अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो तो हमारी वॉइस को म्यूट करके भी आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं और खुद से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन 47, वाली डिग्री योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई, है ना, वाली डिग्री योजना हैज बीन लॉन्च रिसेंटली इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर UP। क्वेश्चन 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं कुछ और बता देना चाहता हूँ इसके बारे में, क्वेश्चन इसका 47 का, ये जो शुरू की गई है दोस्तों ये गुजरात में, ये गर्ल्स चाइल्ड को लेकर शुरू की गई है, गर्ल्स चाइल्ड की एक योजना है जिसमें लगभग अगर कोई गर्ल्स चाइल्ड अगर जन्म लेती है तो उसे ₹4,000 दिए जाते हैं, किसके अंतर्गत, वैली डिग्री योजना के अंतर्गत हर गर्ल्स चाइल्ड को ₹4,000 दिए जाएंगे, इस तरह की योजना है। अगला सवाल है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक WBW इज एन एनुअल सेलिब्रेशन विच इज बींग हेल्ड एवरी ईयर फ्रॉम 1st to 7th अगस्त, 2nd अगस्त to 8th अगस्त, 4th अगस्त to 10th अगस्त या फिर 5th अगस्त to 11th अगस्त। विश्व स्तनपान सप्ताह जो है ना, ब्रेस्ट फीडिंग वीक, है ना, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, आपको बताना है उसका नाम कब से कब तक का, उस मंथ के किस मंथ के उस वीक का नाम। 48 का राइट आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, है ना, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। तो दोस्तों हमने अगस्त महीने का 3 क्वेश्चन देखा, 1 अगस्त को कौन कौन सा डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइड वे का डे भी मनाया जाता है, और 1 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है कमेंट कर जरूर बताएं कमेंट में, और ये हो गया 1 अगस्त से 7 अगस्त तक बनाते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह। अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49,
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट लार्ज स्केल ट्रायल फॉर टू न्यू वैक्सीन्स। आप बताना उस वैक्सीन्स का नाम किस बीमारी के लिए, कौन सा किस चीज़ के लिए शुरू की गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दो नए टीकों की घोषणा की है। आप उस बड़े पैमाने पर परीक्षण शुरू किया है टीबी के लिए, डिमेंशिया के लिए, COPD के लिए, फिर डायबिटीज के लिए। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीबी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोड ऑन वेजेस बिल 2019 है ना अमेंडमेंट्स एग्जिस्टिंग लेबर लॉ इनटू वन। आपको बताना उसका नाम। वेज बिल पर कोड 2019 में एक श्रम कानून को जो मौजूदा करता है, कौन से है श्रम कानून जिसको वो क्या करता है, इकट्ठे एक साथ आपको उस वेजेस जो बिल है, वेज बिल जो है उसमें इकट्ठे उस चीज़ को लाया जाता है। इसमें चार दिए गए हैं ऑप्शन, इसका ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फोर हैं ऐसे, है ना, ऐसे चार हैं जिसे किया गया। जैसे कि मैं आपको चारों का नाम बता दूं, आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे होंगे। जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है एक, दूसरा है हमारे पास पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, तीसरा है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, और चौथा है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। ये चार जो एक्ट हैं, है ना, ये चार एक्ट हैं, ये कोड ऑन वेजेस बिल 2019 के साथ अटैच्ड हैं, है ना। ये चार एग्जिस्टिंग लेबर लॉ हैं, ये चारों के चारों हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में शुरू करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता है, कई लोग वीडियो उसका नहीं देख पाते या फिर उसे बीच पर छोड़ देते हैं। तो मैं नेक्स्ट पार्ट थ्री में क्वेश्चन 51 से शुरू करूंगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, आप नए हैं तो कर ले सब्सक्राइब, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसे सबसे पहले देखें। और अगर आप पुराने हैं हमारे दोस्तों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और कुछ भी गलतियाँ हों किसी भी तरह की तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ताकि मैं उस पर दोबारा ध्यान दे सकूँ। मेरे साथ बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।